नमस्ते। हमारे इस स्पेशल एपिसोड में जो आज बजट के लिए है, हमने हिमांशु बयानी साहब को बुलाया है और मैं और अजय बजट के बहुत से, हालांकि ये बजट तो भाई सुबह भी हम लोग इस पे बात किए हैं, दिन में भी बात किए, हम लोगों के तो बहुत सिर पैर समझ में नहीं आया, लेकिन जब बजट के फाइनल प्रिंट्स निकल रहे हैं तो उसमें कुछ पता लग रहा है कि इसकी मार तो आम आदमी और हमारी आपकी जेब पे बहुत कसके पड़ रही है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हिमांशु साहब से हम एक तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट की क्या दिशा है, इसका किस पे बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि एक कैपिटल गेन टैक्स का लेके काफी कंफ्यूजन है। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, जो पहले आप कोई प्रॉपर्टी खरीदिए बेचिए तो उस पर एक इंडेक्साइजेशन होता था, उसमें एक इन्फ्लेशन का इंडेक्स बनता था, वो आम समझ यह है कि वो अब शायद हटा दिया गया है, तो ओवरऑल हम समझेंगे और अजय भी कुछ प्रश्न पूछेंगे। अजय पहले आप कुछ कर लीजिए, फिर हिमांशु जी से हम लोग पहली राय लेते हैं। जी आनंद, थैंक यू। नमस्कार हिमांशु जी। मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करता हूं। मेरे जो प्रश्न है, सबसे पहला आप ये इन्फ्लेशन का फिगर आपसे जरा समझना था कि अभी तक हमारा जो इन्फ्लेशन चलता आया है CPI वगैरह, वो 5.1 है। फूड इन्फ्लेशन 9.5-10% तक रहा है। अब इन्होंने वो इन्फ्लेशन फिगर्स भी अलग कर दिए हैं। नॉन फूड आइटम्स का अलग इन्फ्लेशन बता रहे हैं जो 3% के करीब रहेगा, और फूड इन्फ्लेशन उससे अलग कर दिया है। अब एज ए कॉमन सिटीजन या गरीब आदमी, मिडिल क्लास जो भी हो, हम लोगों को जो फर्क पड़ता है वो या खाने से पड़ता है, वही रोटी कपड़ा मकान जिसे पहले कहते थे, इन चीजों से ही पड़ता है। मैं अपनी मेड का आपको बता देता हूँ कि वो हर महीने आके उसका एक रोना रहता है कि साहब ये ज्यादा हो गया, सब्जी ज्यादा हो गई, टमाटर 100 रुपया हो गया। वो परेशान रहते हैं, उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। तो ये फिगर्स की जगलरी करके निर्मला सीतारामन जी क्या दिखाना चाह रही हैं, और एक्चुअल में इन्फ्लेशन कंट्रोल की कोई बात इस बजट में उन्होंने, ऐसे कोई ठोस उन्होंने यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं किया है। हिमांशु जी, आपका वो ऑडियो। नमस्कार आप सबके, पब्लिक इंडिया के दर्शकों को, सिंह साहब को, आपको सभी को। देखिए, बजट कैसा रहेगा ये अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कल जिस तरीके से इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे बहुत क्लियर इंडिकेशन आ गया था कि बजट मोटे तौर पे इस दिशा में कुछ होगा। मतलब नॉन इवेंट्स रहे हैं जनरली बजट 2014 से, लेकिन 2014 का वैसे थोड़ा इवेंटफुल था क्योंकि पहली बार गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही थी ये गवर्नमेंट, बाकी के बजट ज्यादातर नॉन इवेंट रहे हैं। और जब से रेल बजट मर्ज कर दिया गया है, GST की मतलब एक कमिटी है, तो बजट का ज्यादातर एक्साइटमेंट क्या रहता था कि कौन सी चीजें महंगी हुई सस्ती हुई, अब ये तो रहा नहीं, GST की जो कमिटी है वो डिसाइड करती है, और बाकी होता है पर्सनल टैक्सेशन के ऊपर और बाकी जो टैक्सेस लगते हैं, सरकार कहां से पैसा लाएगी, कहां पैसा खर्चेगी, तो ज्यादातर इन मुद्दों पे बातें रहती। तो ये बजट में कल इंडिकेशन आ गया था कि किस दिशा में जाएगा। इंडिकेशन क्यों आया था ये समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि 8.2% की आपने GDP की जो डेटा दिया 23-24 फिस्कल के लिए, वो आपने प्रोजेक्ट किया है 6.5 से लेके 7, मतलब 1.2 से लेके 1.7% की आप कटौती दिखा रहे हैं। अब आज का जो बजट है, आज के जो अनाउंसमेंट्स है, वो अनाउंसमेंट्स अगर आप देखने जाए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं जब आपके कान सुनते हैं ये कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन बाद में अगर जैसे जैसे आप फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इनको तो 5,000 रुपया ही दिया जाएगा। मतलब एक कंपनी के अंदर, टॉप 500 कंपनीज के अंदर 20,000 लोग काम करेंगे। तो ये जो इंटर्नशिप देने की बात है उसमें ज्यादातर यूथ जो है, इट इज विद बॉइलिंग विद न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजी से एक्सपोज है, ये सब है, तो उनका जो आइडिया लिया जाएगा और उसके ऊपर जो पूरा स्टार्टअप का मचान खड़ा करेंगे कॉर्पोरेट्स या उनके बेटे बेटियां, तो ये इनका IPR फिर किसका रहेगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं, मैं किसी को मतलब आहत पहुंचे ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं
कॉर्पोरेट्स को, एक तो आपने ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर में बहुत रियायत दे दी है और उसके ऊपर आपने इनको एक जो कंट्री की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात हमेशा टॉप लीडरशिप करती थी वो आपने इनको भी देना शुरू कर दिया है और मुझे लगता है ये कॉर्पोरेट अग्निवीर जैसी योजना है क्योंकि 20,000 लोग एक कंपनी एब्जॉर्ब कैसे करेंगी। और आपका ही सर्वे बोलता है कि स्किल गैप है तो आप कैसे मतलब इसको वहां पे बिठाएंगे, क्या करेंगे। आपने पूछा प्रश्न इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन में समस्या ये है कि जिस तरीके से सप्लाई चेन्स टूटे हुए हैं और मान लीजिए कोई 10 रुपये वाली या 20 रुपये वाली चीज अगर 40 या 80 रुपये में मिल रही है तो उसके ऊपर जो GST लगता है, तो मैं ज्यादातर कमोडिटी एंड साइक्लिकल कमोडिटी एंड करेंसी प्राइसेस की वॉलेटिलिटी तो है ही है लेकिन उसके ऊपर जो समस्या है सबसे बड़ी वो टैक्सेशन ड्रिवन है क्योंकि उसके ऊपर जो GST लगता है। तो ये मैं मानता हूं कि इसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन इवन फूड या नॉन फूड आइटम्स में ज्यादा दिख रहा है, टैक्सेशन ड्रिवन इन्फ्लेशन मुझे लग रहा है। और ये बजट को अगर मैं मोटे तौर पर देखूं तो अनाउंसमेंट्स बहुत अच्छी रही है, इकोनॉमी सुधर सकती है ऐसी अनाउंसमेंट्स है और टैक्सेशन के मामले में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर जो हंगामा खड़ा हुआ है उसमें क्लियरली इंडिकेशन आ गया जब मार्केट 11-10 के आसपास बहुत ऊपर जा रहा था निफ्टी और सेंसेक्स और सडनली फिर जैसे ही ये कॉर्पोरेट टैक्स गेन वगैरह की बातें आ गई, कैपिटल टैक्स गेन वगैरह की, तो मार्केट ने स्लाइड डाउन किया और धीरे धीरे रिकवरी के पाथ पे जाना शुरू किया। तो ये इंडिकेशन था, एक नी जर्क रिएक्शन था, अभी उसकी ब्लूप्रिंट वगैरह पढ़ा जा रहा है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये बजट अगर आप 2014 में ये बजट देते तब आपका फोकस, मुझे याद है अभी भी, कि तब आपका फोकस ये था कि हम मतलब इम्यूनिटी का इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम लेके जाएंगे नेपाल बांग्लादेश भूटान इन सब जगहों पे, अफगानिस्तान वगैरह, और तब जो कंपनियां भारत सरकार की जो मेडिसिन बनाती थी, इम्यूनिटी मेडिसिन वगैरह वैक्सीन वगैरह बनाती थी, उनके शेयर के भाव सीधे स्पाइक हुए थे। तो तब आपका एक विजन था, वो विजन इनवर्ड इकोनॉमी के लिए नहीं था, आउटवर्ड इकोनॉमी के लिए था, आपको सार्क रीजन पे पूरा छा जाना था, ये सब था। और आज आपको 10 साल के बाद लग रहा है कि इनवर्ड इकोनॉमी के ऊपर ही भरोसा किया जा सकता है और इनवर्ड इकोनॉमी में जो पूरी दुनिया पूरे एक्सपर्ट्स पूरे सब जो बोल बोल के थक गए कि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी, तो आपने एग्रीकल्चर को फर्स्ट हाईलाइट एंड फोकस करके उस दिशा में आपने बजट आगे बढ़ाया। लेकिन जब आप बजट एलोकेशंस को देखेंगे तो तीनों तीन सब्सिडियां फूड फ्यूल एंड तीसरी जो सब्सिडी है उन सब में कहीं ना कहीं कटौती आई है, डिफेंस के एक्सपेंडिचर में भी कटौती आई है ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपए की। तो ये कैसे आप ये देखना चाहें। और सबसे बड़ी चीज है फाइनेंस में जो एलोकेशन था वो 23,000 करोड़ के आसपास था जो बढ़ा के 86,000 करोड़ कर दिया गया, ऑलमोस्ट 4 times इट हैज बीन इन्फ्लेटेड। तो ये फाइनेंस का जो बढ़ाया है वो किस वजह से बढ़ाया है, मैं समझ सकता हूँ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, शायद सरकार इसको रिवील ना करे, लेकिन क्या आई थिंक ये जो एक टैक्स नेट वगैरह, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये सब डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो क्या एक तरफ आपने जो कॉर्पोरेट रियायत दी है कॉर्पोरेट्स को इस तरीके से आप मतलब 20,000 लोगों को उसमें नौकरी में जाएंगे इंटर्नशिप में, तो क्या एक आप एक तरीके का सर्वेलेंस नेट बढ़ाना चाहते हैं उनके ऊपर, मामला क्या है। तो ये क्लैरिटी फिलहाल मिली मुश्किल है लेकिन ये सब मुद्दे हैं। तो मोटे तौर पे अगर इफ आई वांट टू सम अप दिस बजट, ये बजट बहुत अच्छा है आर्थिक तरीके से अनाउंसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इंप्लीमेंट कितना करेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जुलाई की 23 तारीख यानी कि आखिरी सप्ताह जो है सेकंड क्वार्टर के पहले महीने का वो बाकी बचा है और 7 महीने ये डिलीवरी करने के लिए अगर आप फरवरी में वापस दूसरा बजट लेके आएंगे 25-26 का, तो 7 या 8 महीने में आप कितना डिलीवर कर पाएंगे जितने भी अनाउंसमेंट्स किए गए इनको देखना पड़ेगा। दूसरा जो मुद्दा है मुझे लगता है एक तरीके से एक राजनीति बहुत बड़ा तूर पकड़ेगी, राष्ट्रीय जो छात्रप्स होते हैं रीजनल छात्रप्स वो खड़े होंगे क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन है जिस तरीके से आंध्र प्रदेश और बिहार को लेके जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं और बाकी जगह से मतलब अभी बातें आना शुरू हो गई है कि तमिलनाडु शायद नीति आयोग की अगली मीटिंग अटेंड नहीं करेगा क्योंकि कुछ एलोकेशंस नहीं मिले उनको, पूर्वांचल के पूर्वीय पट्टी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बेल्ट को जिस तरीके से इसमें समावेश किया गया है या उसके बारे में जो बात की गई है। और पिछले बजट जितने भी आए बजट स्पीच जितनी भी आए उनके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो गतिशक्ति प्रोजेक्ट मिसिंग है, सागरमाला प्रोजेक्ट मिसिंग है, स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट मिसिंग है,
आपने मनरेगा के बारे में एक भी बात नहीं की है, जो विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट आई मीन सेलिब्रेटेड इनिशिएटिव ऑफ द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट इवन ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स, तो इसके बारे में भी आपने कोई बात नहीं की है। तो आई थिंक राहुल गांधी ने जो नैरेटिव सेट किया भारत जोड़ो यात्रा में कि गरीबी आई मीन सॉरी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, और ये जो बूबी ट्रैप सेट हुआ पूरा का पूरा, इसके ऊपर ही बातें होती रही, तो कहीं ना कहीं ये सरकार उस बूबी ट्रैप में वापस फंसती हुई दिख रही है। और जब ये सरकार उस बूबी ट्रैप में फंसती हुई दिख रही है, तो सीधा का सीधा कांग्रेस का एक विंग आके बोलता है कि ये तो आपने हमारा मैनिफेस्टो ही कॉपी कट पेस्ट कॉपी कर दिया है। तो क्या अब मतलब वो विजन नहीं है, किस किन चीजों को लेकर बात होनी चाहिए नहीं हो रही है? मुझे लगता है ये बजट जैसे जैसे अगले 24 घंटे 48 घंटे जाएंगे, बॉम्बे से रिएक्शंस आना शुरू होंगे, इसका इंपैक्ट आने वाले विधानसभा के चुनावों में बिल्कुल पड़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 7000 करोड़ का महज इजाफा दिया गया है एग्रीकल्चर स्पेस में, लेकिन आपने दूसरी तरफ ऑलमोस्ट 19-25 हजार करोड़ ले लिया है सब्सिडी, जिस तरीके से आपने कर्टेल की है फर्टिलाइजर सब्सिडी, फर्टिलाइजर फ्यूल एंड फूड, जो तीन सब्सिडी की बात कर रहा था। तो मुझे लगता है ये बजट में आने वाले दिनों में बहुत हंगामा भी होगा लोकसभा के फ्लोर पर भी, क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए, मवा मोइत्रा फिनेंशियल विजार्ड, राहुल गांधी फिनेंशियल विजार्ड, इनका बैकग्राउंड ही फिनेंस और उन स्टडीज को लेके है। पी चिदम्बरम जैसे नेता जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी है और फिनेंस के मामले में भी मतलब अपनी एक सोच और पकड़ रखते हैं, तो बहुत ये मुद्दा तूर पकड़ेगा। अनाउंसमेंट्स के तौर पे ये बजट ऐसा दिख रहा है कि मध्यम वर्गीय, गरीब, किसान, महिलाएं, घरेलू महिलाएं सबके लिए लागू होता है, लेकिन ये उस दिशा में कहीं इम्प्लीमेंट अगर नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन को लेके जो मेरे मन में जो ख्याल है कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा स्नोबॉल हो गया, पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से बूमरैंग साबित होगा। और दूसरी बात अगर हम करें सेशन के मामले में, तो आपने टैक्स स्लैब जिस तरीके से रिवाइज किए, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा लोगों के हाथ में है यह वजह से, तो कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से फाइनेंस का जो प्रोविजन बढ़ाया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बातें आ रही थी कि आप यूपीआई के बैंकिंग ट्रांजेक्शंस या ट्रांजेक्शन टैक्स डालने की कुछ कवायद कर रहे हैं, अगर ये होने वाला है तो करंसी, फिजिकल करेंसी को लेके जिस तरीके की समस्याएं खड़ी होगी, और तब जाके क्या आप डिजिटल करेंसी में ये ले जाएंगे पूरा का पूरा मामला, और डिजिटल करेंसी भी मतलब एक्सपायरी डेट वाली जो बातें आ रही है, तो ये सब मुद्दे हैं। आधार लिंक्ड रियल एस्टेट की जो बातें आ रही थी वो हुआ इस बजट में, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये सब चीजें जैसे मैंने कहा 48 से अगले 72 घंटे में इन मुद्दों के ऊपर मैं देख रहा हूं कि कल से संसद का, लोकसभा का जो सत्र होगा उसमें बहुत सारे सवाल इस बजट को लेके, आंकड़ों को लेके किए जाएंगे, और तब सरकार किस तरीके से जवाब देती है, क्या जस्टिफाई करती है, आई थिंक इन मुद्दों पे हमको नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम देखने जाए तो ये सुनने के लिए बजट बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये सवाल है, और इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जिस तरीके से मार्केट्स ने नीजक रिएक्शन दिया है तो वो बहुत सारे सवाल या निशान खड़े कर देते हैं। एक चीज समझने के लिए बता दीजिए मेरे दर्शकों का भी है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये दो तरह से, एक तो भाई जो शेयर से अगर किसी की इनकम हो रही है, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा लोग नहीं एक्सपोज है लेकिन जो भी है उनका जो भी लॉन्ग टर्म में होता था उसके बाद वो 15% मतलब एक उनका पहले ये था 10% उसमें सीधे सीधे टैक्स कट जाता था जी। अभी ये कहा गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 10-12.5% और जो प्रॉपर्टी है उसका जो इंडेक्साइजेशन का जो आपको एक वो मिलता था बेनिफिट वो खत्म कर दिया गया है। मेरी समझ ये है, मैं उदाहरण के साथ समझा दूं कि मैंने आपसे एक घर खरीदा 2010 में 1,00,000 रुपए में, और आज मैं 2024 में अगर उसको 2,00,000 रुपए में बेचूंगा तो मेरा 1,00,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा और जिसमें 20% मुझे टैक्स देना होगा। इसको जरा एक बार आप ठीक से समझा देते तो जरा ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जो बजट स्पीच सुनी और जो बेसिक हाइलाइट्स जो मेरे पास आई है उसी पे मैं हूँ, क्योंकि मुझे भी आज रात को ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट स्टडी करने पड़ेंगे क्योंकि मैं लगातार कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स पे हूँ। लेकिन ये जिस तरीके से मार्केट ने नीजक रिएक्शन दिया है, जो एक्सपर्ट्स को मैंने सुना है, जो कमेंट्स मैंने देखी है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वगैरह,
तो मुझे लगता है कि ये जो आया है ये कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट है कि अगर ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो डाल दीजिए, क्योंकि सरकार को जो इनकम चाहिए, जिस तरीके से पैसा चाहिए, उसमें शायद ये एरिया अभी बचता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर को लेकर सरकार ने जिस तरीके से इंडिकेशंस दिए है कि एआई जॉब्स खा रहा है, तो अर्बन वोट बैंक जो है उसको लेके भी उसमें भी समस्याएं खड़ी होगी। और एक तरफ आपने मिडिल क्लास को, हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि मिडिल क्लास का बजट है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास की परिस्थिति देखेंगे तो अर्बन सेंटर्स में मिडिल क्लास, मान लीजिए कोई आईटी कंपनी में नौकरी कर रहा था, किसी कंपनी में नौकरी कर रहा था, किसी इंश्योरेंस कंपनी में, तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी तो डिजिटली बेच रही है सब अपनी प्रोडक्ट, तो जॉबलेस बैठा है, उसके पास जो सेविंग है वो शायद किसी स्टॉक मार्केट में या रियल एस्टेट में वहीं पे जाके लगा के बैठा है। अभी उसके ऊपर भी मतलब इस तरीके का लगान, तो लगान के ऊपर दुगना लगान काइंड ऑफ थिंग, तो उसमें मुझे लगता है कि ये कैसे इंटरप्रीट होता है। और इसलिए मैंने कहा सर कि कल से मैं देख रहा हूं कि संसद के बजट सत्र में बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, एडिटोरियल पीसेस भी बहुत सारे कल आएंगे और उसको पढ़ते पता चलेगा कि किस तरीके से निटिग्रिटीज को एड्रेस किया गया है। लेकिन फिलहाल एक तरीके से अगर देखने जाए तो एक वर्ग ये क्लियरली मानता है कि बजट बहुत अच्छा है, सुनने में जिस तरीके से सुना है इस बजट को, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात करें हमारे जैसे लोग, तो हमें मतलब मुझे बिल्कुल डाउट है कि 8 महीने में ये डिलीवर कैसे करेंगे आप। जो भी बातें आपने की है, आपने ज्यादातर 9 पॉइंट्स जो एड्रेस करने की कोशिश की, देखिए बात करना और डिलीवर करना महज 8 महीनों में, अगर 8 महीने के मैं 20 से 25 दिन वर्किंग डेज कंसीडर करके चलता हूं तो 200 दिन में आपको ये डिलीवर करना है, तो आप कैसे करेंगे? प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ये सब आप कैसे करें? और सबसे बड़ी समस्या जो है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी ग्रैपल कर रहा है, शिपिंग सप्लाई चेन्स जिस तरीके से टूटे हुए हैं, करेंसी वॉलेटिलिटी है, कमोडिटी वॉलेटिलिटी है, माल आता नहीं है, माल अगर किसी को चाहिए तो एडवांस पेमेंट्स देनी पड़ती है, तब भी आता है तो आता है वरना नहीं आता है, एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स से अगर आप बात करेंगे तो ये सिचुएशन है, इनपुट जो रॉ मटेरियल की इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई है। और सबसे बड़ी समस्या जो है, जो इस बजट में इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रही है, आज जिस तरीके से डॉलर एक बेंचमार्क पे खड़ा है, वो अगर कल को कोई ग्लोबल सिचुएशन हुई और डॉलर मान लीजिए टूट गया 5 या 10 रुपया ऐसे, तो आज आपने 85 रुपये में माल खरीदा है, जो आप बेचने जाओगे तो 75 रुपये वाला होगा। तो ये सब चीजों के ऊपर कैसे आप इंसुलेट करेंगे पूरी इकोनॉमी को? और जो प्रोजेक्शन आपने दिए 6.5 to 7 फॉर 2024-25 फिस्कल, ये इसमें मुझे दिख नहीं रहा है कि आप कैसे इसको इंप्लीमेंट करके वो आंकड़ा कैसे आप टच करेंगे। तो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, अगर ये सरकार कर देती है चमत्कार, और मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा चमत्कार है, लेकिन 2014 में अगर ये किया होता और इसकी परे मतलब आप स्ट्रॉन्ग करते गए होते हर साल, मान लीजिए ऐसे 10 बजट एक ही एजेंडा वाले उसी दिशा में अगर आप करते तो आज सिचुएशन कुछ और होती। 4 लाख करोड़ जिस तरीके से गवर्नमेंट ने लिए हैं अलग अलग टैक्स के जरिए, वो मुझे लगता है 4 का आंकड़ा शायद 12 या 16 लाख करोड़ हो जाता अगर उस दिशा में आपका फोकस हमेशा इनवर्ड इकोनॉमी की तरफ रहता। लेकिन तब आपने वॉर मेमोरियल्स डिक्लेयर किए थे, आपने उस तरीके की मतलब 100 स्मार्ट सिटीज की बातें की थी, तब आपका फोकस एक्सटर्नल था, तब आपका फोकस कॉर्पोरेट जो अपने है उनके लिए था। आज भी इस बजट में अगर आप देखने जाए तो कॉर्पोरेट्स को तो बेनिफिट है, कॉर्पोरेट्स को आपने टैक्स में कोई इतनी मतलब वो प्रॉब्लम नहीं की है, और ऊपर से आप सस्ता मैन पावर देने वाले हैं 5,000 वाला एक साल के लिए। तो जो अब तक क्या था कि डेली लेबर वेजेस वगैरह के जो मतलब प्रॉब्लम्स थे उसमें शायद आप एक लेबर फोर्स गिग इकोनॉमी आपने पूरा वो किया था, एक पोर्टल बनाया था कि यहाँ पे आपको लेबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हुआ ना हुआ, इससे पहले आपने एक एग्जीक्यूटिव क्लास को 5,000 रुपये में डाल दिया। 5,000 रुपया मतलब रोज का मेहनताना अगर आप देखिए 25 दिन के काम करने का महीने का, तो 200 रुपया मेहनताना वो 8 घंटे का, 1 घंटे का 25 रुपया हुआ, तो क्या हिसाब है? तो ये समझना पड़ेगा। और ये जो प्राइसिंग इन्फ्लेशन जिस तरीके से टैक्सेशन ड्रिवन इन्फ्लेशन में, उसमें वो 5,000 में वो बंदा करेगा क्या? एक साल के बाद उसकी गारंटी क्या है उसको वो जॉब में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा?
और इतना कौन सा गुलाबी चित्र है पूरी दुनिया में, जो खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि देयर आर चैलेंजेस ग्लोबली, और इंडिया कोई मतलब इनवर्ड इकोनॉमी वाला ही कंट्री है, इसलिए आपका फोकस भी एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर में भी आप देखिए बहुत सारी चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज को लेकर। यहाँ पे गुजरात में अगर मैं बात करूं तो कोस्टल एरिया में जिस तरीके की बारिश और बाढ़ आई है, पूरे के पूरे खेत जो है वो तालाब बन गए हैं, तो उसको आप एड्रेस कैसे करेंगे, उसके बारे में कोई बातें नहीं हुए। जो जो एक मतलब एक चित्र दिखाया गया था 10 साल में वो नहीं है, और जैसे ही कांग्रेस ने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो कट पेस्ट कॉपी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रोल हो रहा है ये बजट, और एक क्लियर एक बात आ रही है। और सबसे बड़ी चीज सिंह साहब और अजय सिंह, वो मैंने देखी वो क्या है, मैं पूरा का पूरा ये बजट लगातार ट्रैक कर रहा था डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीविजन पे नहीं, क्योंकि टेलीविजन में साइड में आपको कमेंट्स नहीं दिखती है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब के जितने भी लाइव प्लेटफॉर्म्स में मैं देख रहा था, समस्या सबसे बड़ी फिस्कल डेफिसिट आप भूल जाइए, सबसे बड़ी समस्या मैं जो देख रहा था वो कमेंट्स है, और ये कोई ट्रोल्स नहीं थे, ये मुझे मैं क्लियरली देख रहा हूं कि अगर 5 साल पहले अगर कुछ ऐसी बात करते तो ट्रोल्स आपके पीछे पड़ जाते थे, ये आम पब्लिक थी, और ये आम पब्लिक का भरोसा कहीं टूट गया। आज को अगर ये सरकार बोले कि 140 करोड़ लोगों को 10 ग्राम सोना हम देंगे, तो वो ये लोग बोलेंगे कि आप अपना सोना अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट मैं देख रहा हूं कमेंट्स के जरिए, इंटरेक्शंस के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, ये क्लियरली इंडिकेट करता है जब प्रजा के अंदर ये ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है तो सरकार इस बजट को इंप्लीमेंट करना चाहेगी भी तो भी कैसे करेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए सरकारी कुछ योजना आती है या कुछ ऐसा सोच लीजिए रिक्रूटमेंट फेयर होता है, अब विडंबना ये है कि एक तरफ आप बजट की ब्लूप्रिंट की इकोनॉमी की बात कर रहे थे संसद में, दूसरी तरफ नीट को लेके सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा मतलब दलील चल रहा था। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ये कैसे एड्रेस करेगी सरकार, बहुत सारी चैलेंजेस है। देखिए ये पूरी जो सोच है, ये सोच अच्छी है, 2014 में अगर दी गई होती इनवर्ड इकोनॉमी को फोकस करके और उस दिशा में अगर ये जाता था कुछ, तो मुझे लगता है बहुत अलग चित्र होता आज। लेकिन 10 साल के बाद 11वें साल पे इसके ऊपर जागना और उसको इम्प्लीमेंट करना अगले 8 महीनों में, मैं मानता हूं सबसे बड़ी चैलेंज है। हिमांशु जी, मैं थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट पर आपसे बात करना चाहता हूं, आपने उसका जिक्र किया है। यहां 9.2 है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे कंट्री में, CMIT जो रिपोर्ट है। ये 3 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, वो भी 5,000 वाली, जो जैसा आपने बोला है। इसमें इस वक्त इतना ज्यादा, इफ यू टेक द नंबर, ये इतना बड़ा नंबर है अनएम्प्लॉयड यूथ का कि वो आगे पढ़ने के लिए, मतलब नौकरी नहीं मिल रही इसलिए मैं लोन लेके पढ़ लूं, ये वाली हालत आ रही है। लेकिन जो तबका लोन चाहता है उन्हें वो लोन मिलता नहीं ना, उनके जैसा आनंद ने पहले भी कहा कि ना उनके पास घर है, बंगला है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो कोलेटरल दे पाए। तो ये 10 लाख का डोमेस्टिक लोन भी जो आया है, वो भी जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको फायदा नहीं होगा। ये वही लोग हैं जो जब नौकरी निकलती है तो वो 1 लाख 5 लाख लोग वहां पहुंच जाते हैं वो रिटर्न टेस्ट देने। तो एक क्योटिक सिचुएशन बनी हुई है हमारे देश में यूथ के लिए। और ये 5,000 भी जो आप बोल रहे हैं, ये भी CSR फंड से बोला गया है उन्हें देने के लिए, वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो जो सोशल एक्टिविटी अगर कोई कॉर्पोरेट करता था तो वो भी अब बंद हो जाएगी। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी इन्होंने ब्लूप्रिंट दिया है, मेरे हिसाब से ये चलने वाला नहीं है जी। नहीं, यही मैं बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल जो प्रतिक्रियाएं आ रही है बजट के अनाउंसमेंट को लेके, सबको लग रहा है बहुत पिंकिश है ये सब है, लेकिन जैसे जैसे इसकी फाइन प्रिंट स्टडी की जाएगी, कल को जैसे जितना डिबेट होगा, टैक्स एक्सपर्ट्स इस पे आएंगे, Big 4 कंपनी से जो एनालिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वो आएंगे, आपके जैसे एनालिस्ट आएंगे जो डेटा और नंबर्स को समझते हैं उसके बारे में बात करते हैं, तब जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट की जो बातें CMI वगैरह से आती है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की आती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आप क्या करेंगे, रूरल में जिस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है वो क्या करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, अगर मान लीजिए कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी है तो डिमांड कहां है मार्केट में, डिमांड जिस तरीके से टूटी पड़ी है उसमें अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा अपना रोज का खर्च निकालना चाहता हो तो भी नहीं निकाल सकता आज मान लीजिए। और एक दूसरी चीज, जिस तरीके से डिसरप्शन आया है सर्विस सेक्टर में, खास करके
मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दूं, मैं राजकोट, मतलब इट्स अ गेटवे सिटी टू सौराष्ट्र कच्छ, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हुआ करते थे, इंटरनेशनल नेशनल ट्रैवल का बुकिंग वगैरह करते थे। आज उन सबकी दुकानें बंद पड़ी है, उनके सबके शटर डाउन है, मोस्ट ऑफ देम। या तो उन्होंने धंधा चेंज कर लिया, या तो शहर चेंज कर लिया, या तो प्रोफेशन ही चेंज कर, या कहीं नौकरी पर लग गए, क्योंकि ये जो जितने भी ऑनलाइन ऐप्स आ गए वो उनका धंधा खा गए। तो मान लीजिए अगर ऐसे ऑफिस में 6 लोगों को मतलब काम मिलता था, रोजगारी मिलती थी, सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक अगर ये ऑफिस काम भी करता था, तो आज ये काम नहीं है। यही चीज का जिक्र किया गया है बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में कि एआई जिस तरीके से खा रहा है, मैं सिर्फ एआई नहीं लेकिन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, एआई सब मिला के जो ये जॉब्स खा रहे हैं बैंगलोर जैसे शहर में। अगर आप सोचिए कि मैं था जून महीने में, तो वहां पे मेरी जिस तरीके से बातें हुई लोगों के साथ, एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं तो उस तरीके से लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, तो उन्होंने कहा कि जहां पे 1000 नौकरियां है, मान लीजिए एक जमाने में थी 1000 नौकरियां, आज वहां पे 10 लोगों को ही लिया जाता है। तो 99 लोगों का काम एक बंदा कर रहा है। और जिस तरीके से बात आई बैंगलोर में से कि 14 घंटा अभी काम करना पड़ेगा, तो वे पूरी की पूरी शिफ्ट कट करने जा रहे हैं, मतलब 33% मैन पावर उसमें भी वो लोग काम करेंगे। तो आप सोचिए किस तरीके का डिसरप्शन आ रहा है। और ये सबसे बड़ी चिंता बीजेपी के लिए क्यों है, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन अर्बन वोट बैंक था, आप विकास प्रगति इन मामलों में बात करते थे। अर्बन वोट बैंक ये समझती थी कि ठीक है हमारे पास मेट्रो है, हमारे पास वीकेंड जाने के लिए एक मल्टीप्लेक्स है अच्छे खासे आसपास में, अच्छे खासे रेस्टोरेंट है, हम क्यों चिंता करें अगर फार्मर एजिटेशन कर रहा है, या बॉक्सर्स एजिटेशन कर रहे हैं, या रेसलर्स एजिटेशन कर रहे हैं, या कोई भी तबका एजिटेशन कर रहा है। तो अब ये समस्या जॉबलेस ग्रोथ की, और उसके ऊपर ये जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की एक के बाद एक परत खुल रही है, ये सब मुद्दे बन रहे हैं अर्बन एरियाज में, और उसको कैसे सरकार एड्रेस करेगी। और उसमें विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां पे मतलब एक फंडिंग पूरा का पूरा एक तरीके का, अगर आप जीएसटी का उसका कंट्रीब्यूशन देखिए महाराष्ट्र और मुंबई का, तो क्लियरली वहां पे लोगों ने, मैंने कुछ चीजें एक्स पे देखी कि लोग वहां पे जाके जो गड्ढे पड़े उनके आसपास एक चूना लगाते हैं, उसके ऊपर #BMC लिखते हैं और विकास लिखते हैं। तो आप कैसे इस एजिटेशन को, ये जो हो रहा है जहां पे मतलब एक स्कूल है बाजू में और बच्चा जो है वो नाले के ऊपर एक कुछ बोर्ड लगाया हुआ है, उस बोर्ड के ऊपर जाता है आता है बच्चे वहां से आते जाते हैं, तो ये हालात है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो उसमें भी मतलब जो गवर्नमेंट सिलोज में भी जो जॉब आपको ओपन करनी है भी आपने नहीं की। रिलायंस का ईयरली प्रॉफिट, ईयरली टर्नओवर 10 लाख करोड़ के आसपास, और उसका 10-11 लाख करोड़ के आसपास, और उसका जो मुनाफा है वो करीबन 77-78,000 करोड़, मतलब बैंक के ब्याज दर से 3.5% बैंक का एवरेज, 3.5-4% बैंक का ब्याज दर होता है, उससे ज्यादा 7.5% या 8% उसी तौर पे। गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन आप देख लीजिए 20 लाख करोड़, शेयर्स निकाल दीजिए तो भी 9 लाख करोड़, एट पार विथ रिलायंस है। जॉब्स कितनी क्रिएट की गवर्नमेंट सेक्टर की, मैं अगर बात करूं बाकी का 9 लाख करोड़ अगर स्टेट को दे देते आप 50% मान लीजिए, तो उसमें भी आपने कितनी जॉब्स क्रिएट की स्टेट में। तो यही विटंबड़ा है कि एक तरफ आप इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट डिस्कस कर रहे थे लोकसभा के फ्लोर पे, और दूसरी तरफ नीट को लेके सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट अभी शुरू हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, और यूथ अभी समझ गया है। तो ये आप कैसे एड्रेस करेंगे, ये आपकी आपकी मतलब सोच को सलाम मारते हैं हम कि आपने 10 साल के बाद भी इस सोच को अपनाया। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में जो मुद्दे उठाए थे, लगता है आप इनको डाइल्यूट कर सकेंगे इसके जरिए, और आपने कहीं ना कहीं वो बूबी ट्रैप में फंस गए, और बाद में कांग्रेस ने आके कह दिया कि तो आपने हमारा मैनिफेस्टो ही कट पेस्ट कॉपी कर दिया, बट आप इंप्लीमेंट कैसे करें। देखिए समस्या वही है, जब चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए तब बात आई थी कि बीजेपी ऑपोजिशन में बैठेगी, पावर में नहीं बैठेगी, और बैक चैनल ने ऐसा शुरू कर दिया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लाइनें लग गई बैंकों पे कि हमारा पैसा लाइए, कांग्रेस की सरकार आ रही। तो ये चीज यहां पे भी लागू होती, आप कैसे करेंगे। तो ये मुझे लगता है बूबी ट्रैप कि ये योजना है जो कांग्रेस ने उसी दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल ये बूबी ट्रैप। लेकिन अच्छा है, बजट सुनने में बहुत अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा सवाल है। हिमांशु जी, अगर यही है बैकग्राउंड इस सब का, तो जो जीडीपी ग्रोथ हमारी 6.5-7% अभी चल रही है, उस पर भी हालांकि मेरे को, मैं जब उसके फिगर्स देखता हूँ उस पर भी मेरे को डाउट है। खैर मान लेते हैं सरकार के फिगर्स,
तो ये 8.2 तक कैसे पहुंचेगी अगले 6-7-8 महीने में जो आप कह रहे हैं? अगर यही हालत है इकोनॉमी का तो हमारी ग्रोथ कहां से इन्होंने दिखाई है जी? 8.2 उन्होंने 23-24 में दिखाई, लेकिन अब 8.2 की अगर आप बात करें तो जिस तरीके से कोविड के बाद का जो रिवेंज बाइंग शुरू हुआ था, जो रिवेंज स्पेंडिंग शुरू हुआ था, उसमें वो ग्राफ ऊपर चला गया। तो अगर आप पूरी डिजाइन देखेंगे, कल बहुत सारे मतलब उसमें पहलू थे, तो जितने भी ग्राफ दिए गए इंडियन इकोनॉमी एट स्नैपशॉट, उसमें बहुत सारे ग्राफ ऐसे ऐसे और फिर ऐसे थे, मतलब नीचे आया ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है। तो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है डिमांड की समस्या है। डिमांड क्यों नहीं है? डिस्पोजेबल इनकम नहीं है लोगों के हाथ में। डिस्पोजेबल इनकम क्यों नहीं है? जॉब्स नहीं है। अब जॉब्स जो आपने 10 साल में क्रिएट नहीं की है वो अब आप क्रिएट करना चाहते हैं, और अभी भी आपका फोकस यही है कि आप एम्प्लॉयमेंट मत मांगिए, आप एम्प्लॉयर बन जाइए। वो कैसे होगा? मेरा एक बेसिक सवाल है, टीयर 4 टीयर 3 सिटीज में अगर मान लीजिए कोई रेडी रेकली भी चलाता है, अगर डिमांड ही नहीं है तो वो बंदा अपना घर कैसे चलाएगा? अगर पूरे दिन काम करके मान लीजिए कि 100 कप चाय के बिकते हैं, उसमें खर्चा निकालते हुए उसको मान लीजिए 505 रुपया मिलता है एक कप का, तो 500 रुपये में बंदा घर कैसे चलाएगा? जी जी, मैं हिमांशु जी एक चीज और, मैं आउट ऑफ, उन्होंने बाढ़ को लेके काफी दिखाया है कि भाई बाढ़ है और दूसरी देश से आती है, और उसमें खास करके उन्होंने बिहार का नाम लिया, असम का नाम लिया, हिमाचल प्रदेश का नाम लिया, उत्तराखंड का नाम लिया और सिक्किम का नाम लिया। लेकिन जब मैं फिगर्स देख रहा था यहाँ, तो ये फिगर जो लेटेस्ट है उसमें फ्लड अफेक्टेड एरिया इन मिलियन हेक्टेयर है, और नंबर एक पे उत्तर प्रदेश है, 7.336 मिलियन हेक्टेयर है जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बाढ़ से अफेक्टेड है एरिया। फिर बिहार है 4.26 मिलियन हेक्टेयर, फिर पंजाब है और फिर राजस्थान है। मतलब इस तरह से एक चीज देख के ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि जहां पे बीजेपी के पोल वो खराब रहे हैं, वो उन स्टेट को भूल ही गए हैं। उनके लिए इट डजंट एग्जिस्ट, उनके लिए बिहार एग्जिस्ट करता है और आंध्र प्रदेश एग्जिस्ट करता है। जरा इसको भी मैं ओवरऑल, और क्या सही में बिहार या आंध्र प्रदेश को कुछ मिला है, या आज कांग्रेस और अपोजिशन के कुछ एमएलए जाके वहां झुंझुना बजा रहे थे विधानसभा में बिहार में, नीतीश कुमार को कह रहे थे कि झुंझुना मिला आपको, क्या झुंझुना मिला है या सही में कुछ भी मिला है? नहीं, ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज आपने कही कि क्या झुंझुना मिला है सही में मिला है। देखिए अनाउंसमेंट है, ये आसान नहीं हो गया, ये ऐसी बात है कि ठीक है भाई, आपकी लड़की की तस्वीर हमने देखी, हम परिवार के साथ आएंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, शादी करेंगे, शगुन देंगे, ये बात नहीं हुई। तो ये बेसिकली अनाउंसमेंट है। अब वही बात है ना, देखिए सर, अगेन वी कम टू द सेम पॉइंट, आज 100 स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, सागरमाला प्रोजेक्ट का क्या हाल है, गतिशक्ति प्रोजेक्ट का क्या हाल है, जितनी भी पीएलआई स्कीम्स दी गई थी सभी सेक्टर्स को, उसकी क्या हाल है, ईवी व्हीकल को जिस तरीके से आप बूस्ट करना चाहते थे, रिन्यूएबल को जिस तरीके से आपका फोकस था, उन सभी सेक्टर्स में आज क्या हालात है? आप बोल रहे हैं ऑफशोर में हम टैक्स कम कर देंगे, अगर आप माइनिंग कंपनीज, ऑफशोर माइनिंग कंपनीज के लिए, ऑफशोर में अभी जाएगा कौन? जिस तरीके की समस्या है ऑफशोर में, पूरी दुनिया में जो समस्या है, पूरा दुनिया एक युद्ध का मैदान बन के बैठा है, चाहे आप मिडिल ईस्ट ले लीजिए, आप यूरोप ले लीजिए, यूरेशिया ले लीजिए, वहां जाएगा कौन? इस तरफ आप साउथ ईस्ट एशिया तो वहां पे भी समस्या है, और ऊपर से क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी चीज। अगर माइनिंग के एरिया में आपको जाना है तो जो तरीके के एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह चाहिए, सी आई मीन अनाउंसिंग सोप्स एंड दिस इज फाइन, बट अल्टीमेटली वो होगा कितना इंप्लीमेंट, ये ऐसी बात है। यहाँ पे हमारे राजकोट में इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया, यहाँ पे वो कैनपी पड़ गई थी, ये सब हुआ, अब वो टेम्पररी स्ट्रक्चर था। अब सबसे बड़ी समस्या, अगर आप फ्लाइट ट्रैफिक देखेंगे इंडिया के उन सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो उसके मुताबिक आपको यहाँ से 50 फ्लाइट उड़ानी पड़ेगी। अब क्या हमारे शहर में 50 फ्लाइट का ट्रैफिक है? लखनऊ की अगर हम बात करें तो 75 फ्लाइट है डेली लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, उसमें से 8-10 इंटरनेशनल है, बाकी की सब डोमेस्टिक है। लखनऊ कैपिटल सिटी है उत्तर प्रदेश का, राजकोट जो है वो गेटवे सिटी है सौराष्ट्र का, रीजन का, तो उसमें अगर आपको 50 फ्लाइट भी उड़ानी है तो हमारी बहस यही होती थी कि वायबिलिटी क्या है। आपने इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया,
फिर आप बोलते हैं कि यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही जाएंगी, तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उसमें स्लॉट खरीदने वाले, अगर आपको ये एयरपोर्ट चलाना है 50 फ्लाइट्स है तो भी आपका हर घंटे में दो फ्लाइट, मतलब एक चढ़ेगा एक उतरेगा, एक फ्लाई ऑफ होगा, एक टेक ऑफ होगा, एक लैंड करेगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, वो एयर ट्रैफिक है, वो एयरलाइंस आएगी यहाँ पे स्लॉट बाय करने के लिए ऐसे माहौल में। अगर वो उस क्लास की भी अगर हम बात करें, उस निश क्लास की या नियो रिच क्लास की या यो अपर मिडिल क्लास की या जो भी, तो वो रोज थोड़ी फ्लाइट से ट्रैवल करता है। या क्या हमारे पास हमारे पूरे रीजन में ऐसे 10 फैमिलीज है जो हैंगर्स लेंगे यहाँ पे, या डिफेंस का कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जहां पे वो लोग अपना चौकर्स रखेंगे, हैंगर्स लेंगे, अपना एयरक्राफ्ट रखेंगे? नहीं है। तो वायबिलिटी क्या है ये समझना पड़ता है। अनाउंसमेंट फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है वायबिलिटी क्या होती है। आप कोई भी मतलब कब शुरू करना चाहे, अगर हम जर्नलिज्म की भाषा में बात करें कि आप अगर कल को कोई अखबार निकालना चाहते हैं या टेलीविजन चैनल चलाना चाहते हैं, तो उसकी वायबिलिटी तो आपको देखनी पड़ेगी ना। आप नुकसान करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कितना करेंगे? जी जी। और मैं, आपने मैं, क्या कर दिया है? आपने क्या कर दिया है, गवर्नेंस के मॉडल को आपने एंटरप्राइज मॉडल बना दिया है, जहां पे आप चाहते हैं कि मतलब सिटीजन्स आर नॉट सिटीजन्स, दे आर कंज्यूमर्स। तो जब आप ये मॉडल ट्रिगर करेंगे कैपिटलिज्म का, कंज्यूमरिज्म का, ये एंटरप्राइज मॉडल, तो कंज्यूमर्स खड़े होंगे कि भाई दीज आर आवर राइट्स, अब हमको हमारा भी हक दीजिए, हमको भी सुनिए। तो आपने मॉडल ट्रिगर कर दिया है, और फिर आप चाहते हैं कि एक आज्ञाकारी समाज हो। जैसे कॉर्पोरेट कंपनी में एक सीईओ या चेयरमैन होता है, वो आता है तो सब खड़े हो जाते हैं, उसके सामने कोई बोलता नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। आप यहाँ पे सिटीजन्स को सिटीजन्स के तौर पे रहने दीजिए, आप गवर्नेंस कीजिए, आप उसको बिजनेस मॉडल मत बनाइए, आप इसको एंटरप्राइज मॉडल बनाएंगे समस्याएं खड़ी होंगी। जी, मैं एक हिमांशु जी से, इसलिए क्योंकि अजय भी बैठे हैं, अजय का बहुत दखलंदाजी है एयरपोर्ट और इसमें, मैं सिर्फ ये, जैसे एक कुशीनगर है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है, 7-8 साल हो गए हैं, अजय बताएंगे शायद, मेरे ख्याल में 10-20 टोटल 10-20 फ्लाइट उड़ी होंगी इंटरनेशनल, वो भी नहीं उड़ी है। तो ये जो इस तरह की दो आपने एक इंटरनेशनल वो कर दिया, उसका एक दूसरा मैं पक्ष आपको बता दूं हिमांशु जी, लखनऊ में जब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया, अडानी जी ने जो व्हील चेयर है जिसका उसका दाम 3,500 रुपया कर दिया है, कि अगर आपको व्हील चेयर लेनी है तो नमस्कार एक उनकी सर्विस है, नमस्कार एक लड़की करेगी और आपको 3,000-3,500 रुपए में व्हील चेयर पे बिठा के ढकेल के ले जाएगी। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, ये जेब काटने का एक अजीब तरह का तरीका है। मैं एक चीज जरा और आपसे आज, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पहले पूछ लो। इस मुद्दे पे एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा, आपने जो बात कही कि ये व्हील चेयर का भाव जैसे बढ़ा दिया है, मैं रायपुर गया था एक वक्त पे, और रायपुर में तब मतलब बीजेपी की सरकार थी, तो मैंने जो कैब ड्राइवर थे उनसे पूछा कि कैसा है यहाँ का विकास, ये नया रायपुर बन रहा था, नया रायपुर में मैं गया था, अनुपम खेर जी भी वहां आए थे और एक पूरा एक कार्यक्रम था, उसमें मुझे मीडिया के बारे में डिस्कशन करनी थी। तो मैंने जस्ट अपने वो कैब ड्राइवर से पूछा कि कैसा है, क्या है विकास आपका, मतलब आपका ट्रिप्स बढ़ा है क्या है? बोले साहब क्या है, मुफ्त में अनाज देते हैं, स्वच्छ भारत के जरिए बहुत सारे टॉयलेट्स खोल के रखे, लेकिन खाना तो फ्री में देते, टॉयलेट जाते तो बोलते 5 रुपया लो। कॉमन मैन की जो सोच होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो और दूसरी एक बात है, शंघाई करके एक मूवी आई थी, मैं पिक्चर्स देखने का बहुत मतलब शौकीन हूँ, ओटीटी ये सब बहुत देखता हूँ, शंघाई करके एक मूवी आई थी, उसमें जो मॉडल था मतलब मुंबई को शंघाई बनाने की बात थी, और उसमें जो हीरो होता है वो बोलता है कि हम विकास के विरोधी नहीं है, कि विकास के जरिए जो कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म घुसता है उसको लेके समस्या है, क्योंकि आज यहाँ पे पानी फ्री मिल रहा है, कल को अपर आप यहाँ पे आएंगे तो दरबार आपका हाथ पकड़ के या तो आपको बाहर निकालेगा या तो बोलेगा कि पानी लीजिए, एक ग्लास 35 रुपया लाइए। तो ये मॉडल होता है, जब विकास और प्रगति की बातें आती है तो वो नहीं आता है, ये कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। 10 साल पहले जो बात थी विकास और प्रगति पूरा देश बदल देंगे, ये कर देंगे, अब जाके पब्लिक को समझ आ रहा है कि विकास और प्रगति फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, उसका दाम उस तरीके से लगता है। उसमें भी मतलब एक कंज्यूमर मॉडल ऐसा आ गया कि जहां पे जवाबदेही ही ना हो तो मतलब आपका कल्याण हो चुका। तो इसीलिए कमिंग टू द सेम पॉइंट, क्या कंट्री को कंट्री की तरह, गवर्नेंस को गवर्नेंस की तरह, सिटीजन्स को सिटीजन्स की तरह ट्रीट कीजिए, कंज्यूमर्स की तरह ट्रीट मत कीजिए, और इसे गवर्नेंस को एंटरप्राइज मॉडल मत बनाइए।
हिमांशु जी, एक जो मैंने आपसे आप टच अप ऑन करिए, ये डेट फाइनेंसिंग, हमारे यहाँ पे पब्लिक डेट बहुत बढ़ गई है और इसकी रीफाइनेंसिंग का भी चल रहा है, और फाइनेंस कैसे करेंगे उसका भी एक प्लान आया है आज के बजट में, उन्होंने दिया है, वो काफी अलार्मिंग है। साथ ही NHAI का 3,44,000 करोड़ की डेट है, जो अगले 5 साल में ये कहते हैं हम आधा रिटायर करेंगे बाय, और उसमें भी फाइन प्रिंट ये है कि थ्रू टोल टैक्स एंड मोनेटाइजेशन ऑफ हाईवेज के थ्रू करेंगे। मोनेटाइजेशन का मेरे को अभी तक क्लैरिटी नहीं है, ये क्या चीज है, क्या हाईवेज भी बेच दिए जाएंगे प्राइवेट को, बट डेट फाइनेंसिंग इन्होंने दिया है फिगर, ग्राफ है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स अभी याद नहीं है, बट ये एक आने वाले 2-4 साल में 5 साल में ये हमारे लिए, हम सबके लिए एक प्रॉब्लम बनने जाएगी। और मैं, आप सब लोग ये तैयार हैं कि ये सारी डेट हम लोगों के सर पर आएगी। देखिए बहुत क्लियर है ना, पब्लिक डेट अगर आप देखने जाए तो उसकी फाइनेंसिंग पब्लिक मनी के जरिए ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है पब्लिक के पास मनी कहाँ है। अभी डिस्पोजेबल इनकम जब तक आप नहीं देंगे तो क्लियरली बंदा वो टोल टैक्स वाला रास्ता यूज नहीं करेगा, कार लेके नहीं जाएगा वीकेंड पे। मान लीजिए दिल्ली लखनऊ जा रहा है कोई, तो वो सोचेगा मैं क्यों मतलब इतना पैसा खर्चू और ये सब करूं, एनर्जी ड्रेन करूं, हाईवे पे जाम हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, आपने एक तरीके से अगर जाए तो बैंक्स को आपने जिस तरीके से बैंक्स के जरिए जो पैसा आपने मतलब बांट दिया सब जगह पे स्टार्टअप्स में इसमें उसमें, तो लोगों के पास एक लाइफस्टाइल आ गई, लग्जरी आ गई, लेकिन वो इट इज अ कॉस्ट एट द एंड ऑफ द डे, और उसमें वो कॉस्ट के बाद उसमें रिकवरी नहीं है। सबसे बड़ी चीज यार, आज अगर मान लीजिए मेरी आय रोज की मान लीजिए 2,000 रुपया है और अगर मुझे वीकेंड पे 2,000 खर्च करना है तो मैं बिल्कुल एक बार झिझकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे 5 दिन के काम के मैं 10,000 कमा के बैठा हूं। लेकिन अगर मेरी पूरी वीक की आय 2,000 है और मुझे वीकेंड पे अगर 2,000 खर्चना है तो मैं बिल्कुल झिझकूंगा। तो तब जाके इसलिए बात घूम फिर के वहीं पे आ रही है, डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। डिस्पोजेबल इनकम क्यों नहीं है? जॉब्स नहीं है। अभी जो जॉब्स आप क्रिएट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? 1 करोड़ नौकरियां 5,000 वाली। तो घूम फिर के बात वहीं पे आती है, जॉब्स, इन्फ्लेशन एंड करप्शन, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? सी पब्लिक डेट ऐसा नहीं है कि इस देश में सर्विस नहीं हुई है ना, ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक के घर घर जाके किसी ने पैसा मांगा हो कि पब्लिक सर्विस डेट सर्विस करनी है। पब्लिक डेट सर्विस होती ही थी ना आज तक, लेकिन ये पूरा का पूरा मॉडल आपने फ्रैक्चर कर दिया है। और आपने क्या सोचा कि कॉन्सोलिडेट करवाइए कॉर्पोरेट्स के जरिए या जो भी जिस तरीके से है। बहुत सारे हम शब्द सुन रहे थे पॉलिसी पैरालिसिस, आज परिस्थिति ये है कि ओवर पॉलिसी की वजह से भी पैरालिसिस हो चुका है। एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑल्सो पॉइजन, तो ये भी हुआ है। ऐसा नहीं आप मतलब इतना हर रोज एक नया पुल उद्घाटन करेंगे, हर रोज एक रास्ता उद्घाटन करेंगे तो ये परतें खुल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी। और कंट्री की जो नीड है, कंट्री का जो एक क्लास है, जो मतलब आपके टैक्स पेयर्स 100 में से 4 अगर टैक्स पेयर है तो आपको उस दिशा में उस तरीके से जाना है। आपने अर्बन वोटर्स को मद्देनजर रखते हुए पूरी का पूरा आपका पॉलिसी डिजाइन है आपका जो भी है वो करने की कोशिश की। कॉर्पोरेट्स को कंसोलिडेशन के लिए कॉल दे दिया, खुला मैदान दे दिया कि आप ये कर लीजिए। कॉर्पोरेट्स बेसिकली कारखाने वाले, आप समझने की कोशिश कीजिए, इनके पास कोई ऐसी IPR प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई रबर की ऐसी कंपोनेंट बना के नहीं बैठे, या इनके पास कोई पेट्रोकेमिकल्स का ऐसा मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है कि जो पूरी दुनिया को चाहिए। तो दे आर नॉट सम, एंड जो भी आपकी Fortune 500 कंपनीज में जो भी इंडिया की 7 कंपनी अगर आप उसका डेटा देखेंगे तो दे आर प्योरली बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 5 ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम कंपनीज जिसमें से 4 गवर्नमेंट की 1 प्राइवेट। तो यही सीधा साधा हिसाब है ना, क्या आपकी मतलब कोई ऐसी बायोलॉजिकल बायोटेक की कोई कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी, आपकी कोई फार्मा कंपनी उसमें नहीं है? आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो पूरा टर्नओवर है वो सिर्फ फाइजर का R&D का बजट है। तो आप पब्लिक डेट जब सर्विस करने की बात करते हैं तो ये सर्विस हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है? देखिए बेरोजगारी इस मुल्क में समस्या थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, महंगाई भी समस्या थी, लेकिन एवरीथिंग वॉज कंट्रोल बिकॉज सब्सिडिया भी थी। आपने सब्सिडीज कट कर दी, इन्फ्लेशन के लिए आपने एक फ्री हैंड दे दिया, एक फ्री इकोनॉमी दे दी, उसके ऊपर टैक्स,
मतलब आप 40 वाली दाल 400 में बेची और उसके ऊपर जीएसटी, और वो 400 दाल का खर्चने के लिए पैसा नहीं है, और ऊपर से टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, जो ई कॉमर्स ये वो इनको जिस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में जो हो रहा है, जो रिटेल मार्केट को पूरा का पूरा खत्म करा है। चलिए मान लेता हूं कि ई कॉमर्स ऐसा एक अनएविटेबल फिनोमिना एंड डेवलपमेंट, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपको पॉलिसीज उस तरीके से इंसुलेट, आपको मतलब वो पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेगी जो आपकी ऑफलाइन इकोनॉमी एंड ऑनलाइन इकोनॉमी को इंसुलेट कर सके। खाली डिजिटल इंडिया बातें करने से ये नहीं होता है। डिजिटल इंडिया की भी मैं क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूँ। डिजिटल इंडिया में आप कोई भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आपका इलेक्ट्रिसिटी का मीटर चेंज करवाना है या पोस्ट में कुछ करवाना है, आप आधार कार्ड देंगे, वो बोलेगा कल आओ। अब भाई आधार कार्ड दे दिया है, मोबाइल नंबर दे दिया, लिंक कर दो, हमको एक लिंक भेजो, हम डिजिटली पेमेंट कर देंगे, हमको क्यों आना है 24 रुपया भरने के लिए दूसरे दिन, और फिर 15 दिन के बाद कॉल आएगा कि आपका ये पास हो चुका है, आपको ये 750-800 रुपया भरना है। तो नहीं हुआ है डिजिटल इंडिया भी जो होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, वो आपको सॉफ्टवेयर ही लगा रहे थे और कुछ नहीं करना था, वो भी नहीं हुआ है। आप किसी भी मतलब पावर डिस्कॉम कंपनी है उसमें जाके आप अपना नाम चेंज करवाने की कोशिश कीजिएगा, साहब 15 दिन से पहले होगा नहीं, और उसमें भी आपको 2 बार जाना पड़ेगा, और अगर आप दिल्ली रह रहे हो और लखनऊ में ये करवाना चाहते हैं तो आपको लखनऊ टू एंड फ्रो, तो आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और सरकार को पब्लिक डेट के नाम पे अगर वो टोल टैक्स भी कलेक्ट कर करके कितना कर लेगी आपसे। जी जी, मैं हिमांशु जी एक व्यक्तिगत चीज और बता दूं, क्योंकि आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, अब बैंक हर साल आपको केवाईसी के लिए बुलाने लगे हर साल, और जो एक काफी मुश्किल है, मतलब अगर हस्बैंड वाइफ हैं, ज्वाइंट अकाउंट है, नहीं आप भी आइए, आप भी आइए। उसके अलावा मैं एक व्यक्तिगत चीज आपको और बता दूं, डिजिटल इंडिया की बात होती है, मैंने एक नेशनल पेंशन स्कीम में एक वो खोला था, 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा वो मिलता था, 50,000 या लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट पहले खोला था, वो धीरे धीरे हो गया, फिर मुझे लगा कि उसमें रिटर्न नहीं, उसको कोई करने का नहीं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां किससे बात करें। अब मैं उसको वापस निकालना चाहता हूँ, वापस निकालना पिछले एक साल से कोशिश कर रहा हूँ, जो लोकल है वो HDFC के बैंक में जाता हूँ, वो मेरा वो कहता नहीं ये तो बंबई में बैठते हैं, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। के फिनटेक है, कई लोग हैं, फाइनली ये बहुत मतलब कई लोगों को बुला के, कई इसमें लोग लगे, ये पता लगा कि आपका KYC में आपकी मदर का नाम नहीं लिखा है, वो आप मदर का नाम लिखिए तब ये होगा, तो भाई मदर का नाम लिख दिया गया। अब फिर 2 महीने की मेहनत के बाद पता लगा कि नहीं, आपकी मदर का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मेरी माँ को मरे 25 साल हो गए हैं, मेरी माँ को पैदा हुए 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, अब कह रहा हूं बर्थ सर्टिफिकेट लाइए। मतलब ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो डिजिटल इंडिया की बात थी, ये मेरी समझ उस समय ये थी कि इट इज टू एक आम आदमी की जिंदगी ज्यादा आसान हो जाए, इसके लिए थी, वो मुश्किल हो गई है। मैं थोड़ा एक आपसे इस पे वो चाहूंगा कि OTPs, और उसमें हम इतना फंस गए हैं, सारे OTPs लिखो, वो करो, याद रखो, वो करो, इसमें ये क्या डिजिटल इंडिया की तरफ हम सही में बढ़ पा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर, कुछ चीजें हुई है, मान लीजिए ऑनलाइन टिकटिंग वगैरह, जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, बिल पेमेंट वगैरह, ये सब हुआ है। बाकी जो प्रोसेस गवर्नेंस की जो प्रोसेस है, वो जो पेपरलेस होनी चाहिए, हैसल फ्री होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। खाली टैक्सेस भरने के लिए डिजिटल इंडिया है, पैसा सरकार कलेक्ट करिए उसमें डिजिटल इंडिया है, उसकी जो प्रोसेसेस है, मान लीजिए कि आज अगर घर मेरे पिताजी के नाम पे है, कल को मुझे वो ट्रांसफर करते हैं, कुछ भी करते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो वो जो प्रोसेसेस है वो डिजिटल नहीं हुई है। वो प्रोसेसेस के लिए मुझे जाना पड़ेगा, वो प्रोसेस के लिए मुझे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये डिजिटल इंडिया भी क्या है, एक तरीके से अगर आप देखने जाए तो एक कंज्यूमरिज्म ड्राइव ही है ना, इसीलिए तो डेटा का भाव बढ़ गया, क्योंकि एक तरफ ये भी बात आ रही है कि जिस तरीके से स्लैब घटाया गया है, तो UPI के अगर आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स डालेंगे तो तब जाके ये आपको बड़ा करना पड़ेगा, डिजिटल करेंसी लानी पड़ेगी, पाइप बड़ा करना पड़ेगा, डेटा ज्यादा कंज्यूम होगा, तो ये पहले से हो गया है ऑलरेडी। आपके प्रीपेड मीटर्स लग रहे हैं सब जगह पे, मुंबई में बहुत हंगामा हो रहा है फिलहाल प्रीपेड मीटर्स के लगने से, जो आप 75 दिन की जो उधारी मिल रही थी वो अभी आपको नहीं मिलेगी, सीधा आपको पहले पैसा देना है, बाद में आप यूज कीजिए। तो द वर्ड ट्रस्ट हैज बीन रिप्लेस बाय कंप्लायंस, सो सिटीजन मेरा एक और है, क्योंकि ये थोड़ा पॉलिटिकल है, आप अगर मतलब
इस बार पहली बार बजट में टेंपल 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 मंदिर 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 खूब सुना गया, और ये भी सुना गया कि अब टेंपल को टूरिज्म स्थल बनाया जाएगा, टेंपल को पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। मैं एक इस पर भी आपका एक रिएक्शन चाहता हूं, मतलब मंदिर आस्था की बात है, पर्यटन नहीं। आज गुजरात के मुख्यमंत्री ने हवाई टूर की है द्वारका में, द्वारका में भगवान द्वारकाधीश का टेम्पल है, इतनी बारिश आई है कि पूरी हवाई टूर करनी पड़ी है उनको। तो अब आप टूरिज्म के मामले में अभी जब जाते हैं उस जगह पे तब पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, क्या खस्ता हालत है। आप अगर कोई इंडिया को टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करके उसको प्रेजेंट भी करते हैं तो समस्या ये हो जाती है कि जब वहां पे, मतलब मैं, मेरा बचपन द्वारका में बीता है, तो मैं वीकेंड्स कभी कभार द्वारका चला जाता हूँ, मेरा वहां पे मतलब पिताजी का घर है। कई ऐसे दिन होते हैं कि आप वो जो द्वारका की गलियों में हम घूमते थे चल के, वहां पे आज साइकिल लेके निकलना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है। होटल के जो दाम होते हैं वो 10 गुने हो जाते हैं रूम के, लॉफ्ट डायनामिक जो है लगा दिया है तो कोई नहीं है। देखिए टेलीकॉम कंपनीज ने आज भाव बढ़ा दिया, ना ही सीसीआई बोल रहा है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोल रहा है, ना ही कोई कोर्ट संज्ञान ले रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके की लूट है, ना ही ट्राई बोल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज आई थिंक आप अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि आपने इमरजेंसी के टाइम पे भी मतलब एक पत्रकार के तौर पर जिस तरीके से आवाज उठाई है, जवाबदेही कहां है? उस टाइम पे शायद जवाबदेही भी थी कि आप जाके किसी को पूछते थे तो जवाबदेही थी, आज ये जवाबदेही ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रस्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कंप्लायंस, सो यू हैव टू जस्ट कीप ऑन कंप्लाइंग। आपके घर वो आ गया चलान 1500 का, आप भर दीजिए, बात खत्म, दूसरी कोई कोर्ट में जाने की या बात ही नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके के जो रिफॉर्म्स वगैरह जो आए, जो भी हुआ, ये एक तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविज्म भारत जैसी डेमोक्रेसी में कम करने के लिए हुआ, ताकि आपके पास वक्त ही ना हो, आप कतारों में खड़े रहे, आप बेसिकली ये डिजिटल ये वो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, जवाब किसी के नहीं, आपकी ही है। इट्स लाइक दैट कोर्ट में जो बोलते हैं ना कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ये वाला मामला हो, और जब आपके घर नजर आता है तो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग होती है कि आपने एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आपने कैसे लॉ वायलेट कर दिया, तो आपके अंदर वो भी रहता है। तो ये सब चीज है जो आई थिंक, कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यही है कि अल्टीमेटली आप जो भी कीजिए, ठीक है लॉ कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो भी कीजिए, देखिए आम जनता को एट द एंड ऑफ द मंथ अपना पेचेक देखना है, बैंक में पैसा का मैसेज जैसे ही आता है एसएमएस पे चेहरा खिल उठता है, और उसको शांति से अपने परिवार के साथ जीना है, घर पे कुछ अच्छा खाना है, अच्छी पिक्चरें देखनी है, उनको पॉलिटिकली वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके लिए इसको मतलब हाथ पैर मत जुड़ाइए, और बाद में मत बोलिए कि हमने आपको फ्री अनाज दिया, तब वो फ्री अनाज लेने वाला भी बोलेगा कि भैया रखो अपना अनाज अपने पास, हम तो अभी आप हमको अभी आप ही नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। हिमांशु जी एक मेरा अंतिम प्रश्न, उसके साथ मैं आ जाए फिर खत्म करेंगे, मेरा अंतिम प्रश्न है, एक बड़ी एक तादाद हो गई जो शेयर मार्केट में है, शेयर मार्केट हो रही बहुत खुश रहती है, मेरे बहुत से दोस्त क्योंकि जिस उम्र में मैं हूँ सब रिटायर हो चुके हैं, उनको एक टर्मिनल बेनिफिट अच्छा मिला है, मोटा पैसा मिला है, सारे बच्चे सब बाहर पढ़ रहे हैं, तो मैंने कई दोस्तों को, तुम करते क्या हो दिन भर, तो कहना है नहीं स्टॉक शेयर मार्केट खुल जाती है तो देखते हैं, वो हमने कहा रोज खरीदते, नहीं नहीं खरीदते बेचते नहीं है, लेकिन 6 घंटा उसमें टाइम पास हो जाता है। तो ये जो शेयर मार्केट का टाइम पास है, ये आपको क्या लगता है ये बबल है? क्योंकि मार्केट 1200 पॉइंट गिरती है, लगता है किसी ने फोन किया गया है खबरदार चलो ऊपर 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 ऊपर, तो तुरंत वो मार्केट को ले आके बराबर पे कर दिया गया कि भाई पापा जी का फोन आ गया है डांटेंगे। ये किसके लिए हो रहा है ये शेयर मार्केट से? हिंदुस्तान की क्या रियल जो हमारी जो वित्तीय अवस्था है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है, या कुछ लोगों का एक खेल है अपना चल रहा है? देखिए साहब इसमें बहुत इंटरेस्टिंगली आपको पैरेलल्स मैं दो ड्रॉ करके देता हूं। यूएसए में जब 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस आई तो वहां की सरकार ने सोचा कि लिक्विडिटी फ्री फ्लो करवाए और इंटरेस्ट फ्री पैसा दे कंपनीज को, ताकि कंपनीज जो है वो वापस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि वहां पर डेली वेजेस वगैरह सब रहता है, तो
जॉब्स क्रिएट करेंगे, कारखाने लगाएंगे, सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, नए नए स्टार्टअप्स वगैरह करेंगे, ये सोच थी उस जमाने में। 2008 फेसबुक हो रहा था, गूगल हो रहा था, ये सब हो रहा था, ऑर्कुट वगैरह। तो वो चला सिलसिला और अभी तक चला। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि कंपनीज ने वो फ्री फंड मनी जो था जीरो इंटरेस्ट वाला, वो लेके अपने शेयर्स बाय बैक करके ओनरशिप की तरफ चले गए और इसकी वजह से शेयर बाजार में भाव बढ़ गए। तो एप्पल की जो वैल्यूएशन है आज, वो उसकी ओरिजिनल वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से उसे मार्केट से उठाना शुरू किया, तो वहां पे ऑब्वियसली जब ओनर अपना शेयर बढ़ाएगा, पता चलेगा ओनर खरीदने निकला है स्टॉक मार्केट में और वॉल स्ट्रीट जैसे जगह पे, तो ये पता चल जाता है, तो भाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाता है, तो आपको लगता है इंडिकेटर है, लेकिन ये इंडिकेटर नहीं है। लाइक द वे रघुराम राजन हैज सेड इट मेनी टाइम्स कि ये जो एसेट क्लास है ये ओवर वैल्यूड है, ये बबल है, ये कब टूटेगा ये पता नहीं, पर ये इसीलिए है क्योंकि आपने, आप पैसे वाले हुए, आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं किया। यही चीज अगर आप देखने जाएंगे तो भारत में भी यही हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्सेस आपने कम करके आपने क्या सोचा कि कारखाने लगाएंगे, इन्होंने शादियों में पैसा खर्चा, सीधा हिसाब है, और वो खर्चा भी मतलब डेटा का भाव निकाल के निकाल लिया। तो जॉब्स कहां क्रिएट हुई, इकोनॉमी कहां रोल हुई? अगर ये सरकार को कोई, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये सरकार को कोई मुद्दा अल्टीमेटली जाके पिंच होगा तो ये धन्ना सेठ ही इनको खत्म करने वाले। धन्ना सेठ को जिस तरीके से इन्होंने जो भी मतलब सहूलियतें दिया, जो भी किया, वो अल्टीमेटली धन्ना सेठ ही इनको ये याद करेंगे कि धन्ना सेठों के पास कभी इनके मतलब इनका शेडो है उसमें भी नहीं जाना चाहिए, उनकी परछाई में भी नहीं जाना चाहिए। तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट को अगर आप देखेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग वर्धन सिंह साहब, आई वुड लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर, मैं खुद स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूं क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है प्रैक्टिकली। एक मेरा फेस था, अब वो जॉब्स मेरे पास भी नहीं, मैं ब्यूरो रिपोर्टर रहा कर रहा हूं ज्यादातर। तो एज अ ब्यूरो रिपोर्टर मैं हमेशा मतलब ब्यूरोज बंद हो चुके हैं, बिजनेस के ब्यूरो सबसे पहले बंद हुए, बहुत सारे ब्यूरोज बंद हो गए। और जो सैलरीज है जर्नलिज्म में जिस तरीके की, और जो काम करना पड़ता है उसके मुकाबले, मुझे लगता है कि मेरा जो स्टडी है स्टॉक मार्केट का एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट, बतौर एज अ जर्नलिस्ट जब मैं काम कर रहा था तब मैंने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन अब मैं हालांकि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं, मेरे को भी मुझे भी मेरा खर्चा निकालना है, सो आई हेविली ट्रेड इनटू स्टॉक मार्केट एंड आई एम नॉट इवन अ इंट्राडे ट्रेडर, आई एम अ इंट्रा मिनट इंट्रा सेकंड ट्रेडर, नॉट इवन अ इंट्रा वीक ट्रेडर। मतलब मेरा एक मान लीजिए कि इधर लिया और 10 सेकंड में वो निकल जाता है चीज, मेरा मुझे पैसा मिल जाता है तो मैं निकल जाता हूं, मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट मैं उसमें से एड्रेस करता हूं, नो डाउट अबाउट दैट, अच्छी चीज है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे आपको इसको गैम्बलिंग की जगह ले जाना है, इसकी लत लग गई धीरे धीरे लोगों को, तो ये जो आप बोल रहे हैं वो होने की संभावना है कि पापा ने कहा आप निकल जाइए तो खड़े हो जाते हैं। बाकी स्टडी के साथ अगर आप जाएंगे और एक मतलब एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास अच्छा पैसा और लगाते तो वो उसका देखिए, क्योंकि कंपनीज जो करती है वो अपने मुनाफे के लिए करती है, वो अपने उसमें आपको भागीदार बना रही है। जब आप उनके शेयर्स खरीदते हैं 1,000 शेयर 2,000 शेयर, तो कहीं ना कहीं यू बिकम अ पार्टनर ऑफ दैट हार्डवर्क विच द कंपनी डज टू ग्रो। तो अच्छा रिटर्न्स मिलता है, नो डाउट अबाउट दैट, वैल्यूएशन भी अच्छे होते हैं फंडामेंटली अगर आप जाएंगे स्टडी करेंगे, बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो सट्टा आ गया है ना एफ एंड ओ पे, इसलिए नकेल बांधने की बात आ रही है सेबी के द्वारा, जो सट्टा आ गया है वो खतर। अजय, इफ यू कैन, इफ यू वांट अ क्वेश्चन लास्ट में हिमांशु जी, बस ये सवाल था कि निर्मला सीतारामन जी या मोदी सरकार, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन्होंने बजट में नहीं एड्रेस किया है। मैं केवल दो चीजें आपसे पूछूंगा, एक रेलवे पे कोई टिप्पणी नहीं की, फिगर्स दिए हैं, डिफेंस पे कोई टिप्पणी नहीं की, फिगर्स दिए हैं, रेलवे में इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक तो बनता था कि फाइनेंस मिनिस्टर उस पर कुछ बात करती कि हमारा सेफ्टी में क्या होने जा रहा है। दूसरा डिफेंस में वन रैंक वन पेंशन, उस पर कोई बात नहीं हुई। डिफेंस का बजट कट कर दिया गया, टेररिज्म से लिंक कर दिया है कि हमने वहां जेएनके में आदमी हटाई थी इस वजह से बढ़ गया, इस पर भी कोई बात पार्लियामेंट में नहीं की गई। तो ये सरकार ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों नहीं एड्रेस करते, भले ही एक दो मिनट के लिए, लेकिन बिल्कुल ही चुप्पी क्यों साध रखी है?
नहीं, इसमें बहुत क्लियर इंडिकेशन है ना, मवा मोइत्रा ने जिस तरीके से अपनी लोकसभा की फ्लोर की जो इनॉग्रल स्पीच थी उसमें कहा था ये नए सत्र में 18वें सत्र में कि एक तरफ आप 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च रहे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए और उसमें भी अनअकाउंटेड एक्सपेंसेस है क्योंकि आपने लोन्स वगैरह क्या लिया है, हालांकि उसके बारे में उसने नहीं बोला था जापान से, वो तो आप मतलब डिस्क्लोज नहीं कर रहे अपने बजट में या वो कैसे सर्विस कर रहे वो बात नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके का रेल नेटवर्क है उसमें आधे कॉस्ट में 63,000 करोड़ में आप पूरा का पूरा मतलब कवच का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। और जहां तक जम्मू कश्मीर का मुद्दा है तो देखिए जिस तरीके से 370 को लेके जो ऑप्टिक्स बिल्ट हुए थे, जो डिप्लोमैट्स वहां पे आए थे, जिस तरीके से दोवल साहब वहां पे गए खाना खाया था, तो अब आप क्या बोलेंगे? डिमोनिटाइजेशन की थीम आपकी यह थी कि टेरर खत्म हो जाएगा, तो अब आप क्या बोलेंगे उसके ऊपर? तो आप ना बैक ट्रैक कर सकते ना कुछ बोल सकते। रेलवे का बजट हुआ करता था, अब रेलवे का बजट ना होने के बावजूद रेलवे के बारे में एक शब्द नहीं बोला गया है, ये भी समझने वाली बात है। तो क्लियरली जैसे मैंने कहा, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी इज द कोर थिंग एंड यू हैव टेकन फॉर ग्रांटेड दिस कंट्री एज एन एंटरप्राइज मॉडल, यू आर ट्रीटिंग सिटीजन्स एज कंज्यूमर्स, प्लीज स्टार्ट ट्रीटिंग सिटीजन्स एज सिटीजन्स एंड वर्क इन द एरियाज ऑफ गवर्नेंस, तब जाके आप डिलीवर कर पाएंगे। पर वेट एंड वॉच कीजिए, मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमको डिबेट इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि लोकसभा का सेशन में कल से देख रहा हूं बहुत सारे सवालों वाला होगा इस मुद्दे को लेके, बजट को लेके बहुत सारे सवाल आएंगे और मुझे लगता है बहुत सारी चर्चाएं अभी कुछ आने वाले बजट सत्र वाले एटलीस्ट 8 दिनों में, तो क्योंकि कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब मान लीजिए कल को पी चिदम्बरम अपना होमवर्क करके अपने पॉइंट्स रखते हैं तो उसके ऊपर निर्मला सीतारमन कैसे जवाब देती है, फिर राहुल गांधी किस तरीके से उसको लेते हैं, मवा मोइत्रा किस तरीके से ले जाती है, बाकी के सब नेता किस तरीके से ले जाते हैं। और आज जो बात आई तमिलनाडु ने जैसे बोल दिया कि नीति आयोग की मीटिंग वो लोग बॉयकॉट कर रहे नहीं आने वाले, तो दूसरे राज्य फॉलो करें तो क्या होगा? आई थिंक इट इज अ वेट एंड वॉच सिचुएशन, मुझे लगता है ये सत्र होने वाला और इसमें मुझे लगता है कुछ, क्योंकि आपने बजट रखा है वो पास होना है लोकसभा में राज्यसभा में दोनों जगह पे, तो किस तरीके से और कैसे होगा आई थिंक बहुत सारा चीजें धीरे धीरे बाहर आएगी। अब बात करने के लिए हिमांशु जी आज आपने इतने व्यस्त समय में समय निकाला, थैंक यू सो मच अजय। थैंक यू आपको, थैंक यू आप पब्लिक इंडिया की प्लेटफॉर्म के जितने भी दर्शक हैं और हम मुझे चर्चा करने का मौका दिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हिमांशु जी। और हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम लोग आम भाषा में, आम अपनी और हमारी आपकी जो बोल चालू भाषा है उसमें लोगों तक चीजों को समझाएं, इसलिए हमने टेक्निकल या लोकेशंस के बारे में बहुत ज्यादा बातें की जी, हाँ इसीलिए क्योंकि वो आम आदमी को आम तरह से हमको और आपको समझ में आया, अपने घर में किसी को सामने रख के, तो आम आदमी के लिए एक लाइन में बजट ही है, सुनने में बजट बहुत अच्छा है लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये बड़ा सवाल है, और टैक्सेशन में बहुत अच्छी रियायत मिली है लेकिन क्या UPI के ट्रांजेक्शन टैक्स होने जा रहे हैं, तो वेट एंड वॉच कीजिए जी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।